हेलो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में XSS अटैक भी बोलते हैं, जो कि वेब पेनिट्रेशन का एक वन ऑफ द मतलब हाई कैटेगरी में आने वाला एक बग है या फिर वल्नरेबिलिटी है, जो कि OWASP टॉप 10 में भी आता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो XSS क्या होता है, आपको अगर कुछ पता नहीं तो आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि XSS क्या होता है, कितने टाइप्स रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेक्शन हम लोग लाइव हंटिंग भी करेंगे वेबसाइट के ऊपर और देखेंगे कौन से लाइव वेबसाइट पे हमें ये बग मिलता है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड थैंक यू गाइस, हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिल रहा है आगे वीडियोस और बनाने का, कि आप लोग देख तो रहे हो। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट के ऊपर आते हैं कि XSS क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो मैंने बेसिकली एक पीपीटी बना लिया है इसके ऊपर, आपको भी इससे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज XSS। तो इसमें अभी एक डेफिनेशन दे रखा है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक आर अ टाइप ऑफ इंजेक्शन इन विच मैलिशियस स्क्रिप्ट्स आर इंजेक्टेड इनटू अनट्रस्टेड वेबसाइट। XSS अटैक ऑकर्स व्हेन एन अटैकर यूज वेब एप्लीकेशन टू सेंड मैलिशियस कोड, जनरली इन फॉर्म ऑफ ब्राउजर साइट स्क्रिप्ट टू डिफरेंट एंड यूजर। तो बेसिकली ये बता रहा है कि XSS एक अटैक है, इंजेक्शन अटैक है, जिसमें हम एक स्क्रिप्ट मलेशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में, ताकि हम उससे अपने इंटेंट की चीजें करा सके या फिर उसको मैनिपुलेट कर सके वेबसाइट को। तो किसी भी वेबसाइट में अगर इनपुट फील्ड है उसमें हम सर्च करते हैं या फिर अपना कमेंट करते हैं, तो उस फील्ड में अगर हम कुछ मलेशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर पा रहे हैं तो उस जगह पे XSS अटैक वैलिड होता है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि XSS क्या होता है। तो अभी चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के XSS होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है रिफ्लेक्टेड XSS, सेकेंड हमारा आ जाता है स्टोर्ड XSS और थर्ड हमारा आ जाता है डॉम बेस्ड XSS। तो इसको कैटेगरी वाइज हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है रिफ्लेक्टेड XSS, अभी ये रिफ्लेक्टेड XSS क्या होता है, तो XSS तो समझ गए आप क्या होता है, इंजेक्शन होता है, मलिशियस कोड हम स्क्रिप्ट या कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है रिफ्लेक्टेड XSS की। तो अटैकर सेंड मलिशियस लिंक, उसके बाद यूजर क्लिक्स द लिंक एंड इज एग्जीक्यूट इन द ब्राउजर, थर्ड ब्राउजर सेंड द प्राइवेट डेटा टू द अटैकर। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि जो अटैकर या हैकर होता है वो क्या करता है, एक ब्राउजर में अपना स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता है, उसके बाद वो जो लिंक रहता है URL उसको वो विक्टिम को सेंड कर देता है। जैसे विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उस मलेशियस ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर जो अगर स्क्रिप्ट उसमें ब्राउजर में इंजेक्ट कर लिया है तो उस स्क्रिप्ट से अटैकर कुछ भी करा सकता है, उस विक्टिम का सेशन आईडी हाईजैक कर सकता है या फिर उसका सेंसिटिव डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी। तो इसे हम अभी प्रैक्टिकल भी समझते हैं, क्योंकि आपको समझ में आया नहीं आया मुझे बताने पर, प्रैक्टिकल आप देखोगे तो आप समझ जाओगे इजीली। तो प्रैक्टिकल हम जाते हैं फर्स्ट डेमो डॉट टेस्ट फायर के ऊपर। तो डेमो डॉट टेस्ट फायर इसके ऊपर बेसिकली ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट है जिसपे हम हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखो इनपुट फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझो इस सर्च के जगह पे अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, संकेत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्च है उनके डेटाबेस में जा रहा है, संकेत सर्च कर रहा है तो वो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे URL में भी यहाँ पे संकेत रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कुछ भी हम सर्च करते हैं, साइबर हेड सर्च करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं साइबर हेड यहाँ पे आ रहा है, ओके। अभी समझो मैं इस सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करने के अलावा एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता हूं। अभी मैं आपको एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट का एकदम बेसिक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि एक अलर्ट मैसेज शो करेगा।
तो बेसिकली मैंने एक अलर्ट स्क्रिप्ट बनाई यहाँ पे जेस का, जिसमें यू हैव बीन हैक, ये अलर्ट मैसेज पॉपअप होगा जो अगर उसमें एक्सेस वल्नरेबिलिटी हुई तो. तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इनपुट फील्ड में इसको पेस्ट कर देता हूँ, सर्च करता हूँ. तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट हुआ जो कि बता रहा है यू हैव बीन हैक, जो कि हमने क्वेरी में डाला था, जो अलर्ट मैसेज जिसको डिस्प्ले करना था. तो अभी इस पॉपअप से क्या क्या हो रहा है, पॉपअप आ रहा है, मतलब क्या हैक कैसे हो गया. तो मैंने तो सिर्फ एक अलर्ट स्क्रिप्ट डाला है जो कि वो पॉपअप करा रहा. अगर मैंने उसमें डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज का अगर स्क्रिप्ट बना लिया है, फिर ऐसा स्क्रिप्ट बनाया जिससे हम किसी भी यूजर का सेंसिटिव डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमारे हमारे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये डेंजरस हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी अटैकर अगर इस लिंक पे क्लिक कर रहा है तो उसका ब्राउजिंग हिस्ट्री हमारे पास आ रहा है, सेंसिटिव डेटा आ रहा है, उसका सेशन आईडी आ रहा है, सेशन आईडी से हम उसका सेशन भी हाईजैक कर सकते हैं. तो एक डेंजरस टाइप ऑफ अटैक हो जाता है. ठीक है, अभी ये तो समझ गए होंगे. इनपुट फील्ड में अगर हम डाल रहे स्क्रिप्ट तो वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम उसको एक्सेस वल्नरेबिलिटी बोलते हैं. तो ये इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं. जब आप स्टोर्ड एक्सेस समझोगे तो आपको रिफ्लेक्टेड भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टोर्ड एक्सेस. ओके, तो अभी स्टोर्ड एक्सेस का भी मेरे पास एक इमेज है. तो इसमें देखो क्या बता रहा है, इंजेक्ट सब स्टोर्ड एक्सेस पेलोड, फिर उसके बाद विजिट वेब पेज, फिर उसके बाद प्रेजेंट वेब पेज इन एक्सेस पेलोड. तो अभी इसे क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ. तो सेम चीज देखो, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में हम स्क्रिप्ट डाल रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमें वो पॉपअप हो रहा है. क्या कर रहा है, इस स्क्रिप्ट को पैरामीटर ना समझते हुए वो डेटा को क्या लग रहा है कि ये मेरा ही पार्ट है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, पर ये सिर्फ हमारे ब्राउजर में वर्क कर रहा है. ठीक है, ये अगर किसी कोई और पर्सन इस वेबसाइट पे जाता है तो उसको ये पॉपअप नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारे सर्वर पे नहीं है. ठीक है, डेटाबेस में नहीं स्टोर्ड है, ये सिर्फ हमको डिस्प्ले हो रहा है. हम इसको क्या करते हैं, हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, फिर हम किसी भी हमारे विक्टिम को भेजेंगे, तो अगर वो लिंक पे क्लिक करके जाता है इस वेबसाइट पे, उसको भी ऐसा पॉपअप दिख जाएगा. पर अगर मैं बोलूं कि समझो कमेंट सेक्शन है, मैं यहाँ पे YouTube पे जाता हूँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है पता है क्या, हम देखो किसी ने भी कमेंट किया कुछ भी, तो वो क्या हो रहा है, कमेंट स्टोर हो रहा है. ठीक है, अभी उसको एक साल बाद भी अगर कोई बंदा खोलता है तो वो कमेंट वैसे का वैसे ही दिखेगा उसको, क्योंकि जो हमने वो लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, मैसेज लिखा है, वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो गया है प्रॉपरली. ओके, तो अभी हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी हमें ये पता लगता है कि हम किसी भी, हम जो भी डेटा उसमें इनपुट करेंगे वो स्टोर हो जाएगा उनके डेटाबेस में. तो एक हैकर क्या सोचेगा, अगर कुछ स्क्रिप्ट या पेलोड, मलेशिया स्क्रिप्ट उसने इंजेक्ट कर दी इस जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और कोई भी पर्सन उस वेबसाइट या उस वीडियो या उस ब्लॉग को विजिट करता है या पेज पे उसके जाता है तो वो स्क्रिप्ट उसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी. अभी सेम सिनेरियो लेते हैं, एक हैकर ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाया जिससे हम किसी भी पर्सन का या विक्टिम का वो सेशन आईडी हाईजैक, मतलब सेशन कुकीज एक्सट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट एक कमेंट बॉक्स में वो ऐड कर देता है, वो स्टोर हो जाता है उनके डेटाबेस में जिसमें एक्सेस वल्नरेबल है. तो कोई भी अगर पर्सन डेली के उस वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका सेशन कुकीज उस हैकर के पास जाता रहेगा और उसके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा हर एक पर्सन का, जो कि सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है या फिर उनके सेशन हाईजैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो इस प्रकार स्टोर एक्सेस काम करता है, ये भी आपको समझ गया होगा. ठीक है, तो अभी थर्ड हमारे इस पे जाते हैं जो कि डॉम एक्सेस. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत जन इसमें कंफ्यूज होता है डॉम एक्सेस क्या होता है. तो मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ डॉम एक्सेस क्या होता है. अभी इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कुछ तो दिया हुआ है, क्या दिया है हम पढ़ लेते हैं. द अटैकर क्राफ्ट यूआरएल कंटेनिंग द मैलिशियस स्ट्रिंग. ओके, फिर द यूजर इज ट्रिगर्ड टू ओपनिंग द लिंक, द वेबसाइट रिसीव्स द रिक्वेस्ट बट डज नॉट इंक्लूड द मैलिशियस स्ट्रिंग इन द रिस्पॉन्स. द यूजर ब्राउजर एग्जीक्यूट द लेजिटिमेट स्क्रिप्ट इनसाइड द रिस्पॉन्स कॉजिंग द मैलिशियस स्क्रिप्ट टू बी इंसर्टेड इनटू द पेज.
the user browser executes a malicious script into the page by client side code. The user sensitive information is sent to the attacker server. Okay. तो अभी बेसिकली मैं डॉम का मीनिंग समझाता हूँ. डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि HTML में यूज होता है. HTML जिसको पता है, तो HTML में जो लॉजिक हम बिल्ड करते हैं उसको बेसिकली डॉम बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो जैसे मतलब कोड कैसे किस प्रकार में लॉजिकली वर्क कर रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसको ही डॉम बोलते हैं. तो उस डॉम को हमें ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद उसमें एक्सेसेस अप्लाई करना है. तो ये बेसिकली मीनिंग होता है डॉम बेस्ड एक्सेसेस का. तो समझो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो HTML में हम पैराग्राफ लिखते हैं. ओके, तो एक यहाँ पे एक पी स्टार्ट आ जाता है और यहाँ पे एक पी एंडिंग वाला पी आ जाता है. तो इसके बीच में हम एक पैराग्राफ कुछ भी लिखेंगे, वो एक पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो इस जगह में क्या करता हूँ कि टेक्स्ट की जगह में पैराग्राफ एंडिंग वाला पैराग्राफ एंड लगा देता हूँ. उसके आगे मेरा मलेशियस स्क्रिप्ट रन कर देता हूँ और उसको डबल स्लैश से कमेंट आउट कर देता हूँ. तो इससे क्या हो रहा है कि HTML को तो लग रहा है कि ये इसमें कुछ नहीं है, पर इसमें एक स्क्रिप्ट है. ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, जो HTML में नहीं दिख रहा है रिस्पॉन्स में. और हमने इसका डॉम ब्रेक कर दिया और उसमें एक्सरसाइज अप्लाई कर दिया. तो इसे हम कहते हैं डॉम बेस्ड एक्सरसाइज. तो यही होते हैं तीन प्रकार के एक्सरसाइज, जो कि आपको शायद अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर नहीं आए तो वापस एक बार वीडियो देख लेना, तो समझ जाओगे. एक बार मतलब दो बार हम दो या तीन बार एक चीज देखते तो अपने को समझ आ जाता है, जो कि पिछली बार हमें नहीं समझा है. तो फिर से एक बार देख लेना अगर नहीं समझा है. तो चलिए अभी हम अपनी लाइव हंटिंग की तरफ बढ़ते हैं. मैं आपको सिखाता हूँ कि लाइव हंट कैसे करते हैं. तो बेसिकली हम गूगल डॉक्स के इस्तेमाल से हम लाइव हंट करेंगे एक्सरसाइज, सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए मैं ये बता रहा हूँ. तो चलिए लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे एक्सेसेस डॉक गिटहब. तो जैसे हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, हमें बहुत सारे गूगल डॉक्स मिल जाते हैं एक्सेसेस के लिए. बेसिकली ये डॉक में क्या दिया है, अभी हम जैसे डेमो डॉट टेस्ट फायर पे गए थे, डेमो डॉट टेस्ट फायर. ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, हम जब भी यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो देखिए क्वेरी इज इक्वल्स टू साइबर हेड, और ये साइबर हेड जहां पे लिखा है यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट उसको रन करा रहे हैं. ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया. इस स्क्रिप्ट को हम इज इक्वल्स टू के बाद पेस्ट कर रहे हैं और हम ये एग्जीक्यूट हो रहा है. तो जहां भी ये पैरामीटर दिखता है अपने को, वहां पे हमें ये स्क्रिप्ट लगाना है, या फिर हमें ये सर्च बॉक्स दिखता है वहां पे हमें ये स्क्रिप्ट लगाना है. तो अभी इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट ढूंढने के लिए हम ये डॉक का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां से हम एक डॉक कॉपी कर लेते हैं और सर्च कर देते हैं. तो इससे कैट इज इक्वल्स टू वाले जिस जिस यूआरएल में ऐसे पैरामीटर है वो लिस्ट हो जाएंगी. तो हम क्या करते हैं, इसको सबको एक एक करके ओपन कर लेते हैं. तो ऐसे करके हमें खोलना है सभी वेबसाइट को. बहुत सारे वेबसाइट हमने खोल लिए ऐसे, बहुत सारे हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, 100-200 वेबसाइट पे आप टेस्ट करोगे तो आपके दिमाग में फीडबैक जाएगा कि कहाँ पे एक्सरसाइज अप्लाई होता है. क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. तो जैसे आप मतलब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको URL दिख रहा है, तो जैसे आप URL देखते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक्सरसाइज अप्लाई हो सकता है, जैसे आप पैरामीटर को देखते. तो इस प्रकार हमें प्रिपरेशन करना है. ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे देखते हैं, इज इक्वल्स टू इसको हटा देंगे और हमारी स्क्रिप्ट जो है जो कि ये है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे. और अब हमें अगर पॉपअप शो हो रहा है तो वो वेबसाइट एक्सेसेस को वल्नरेबल है, जो कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होगा और हमने वो वेबसाइट समझ लो हैक कर ली. तो एंटर करते हैं तो क्या आया, कुछ नहीं आया. तो इसको हटा दो, फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ भी नहीं आया. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो इज इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे एक 4 है और कैट इज इक्वल्स टू एग्जाम. तो यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो दोनों जगह हम ट्राई करेंगे एक एक बार. कई बार इसमें वर्क नहीं करता है, सेकंड पैरामीटर में वर्क करता है, कई बार दोनों पैरामीटर में डालने के बाद वर्क करेगा. तो ऐसे आपको टेस्ट करते जाना है. यहाँ पे देखते हैं,
कुछ नहीं हुआ, हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? अगर यहाँ पे इक्वल्स है तो देख लो कहीं पे इनपुट अपने को सर्च बॉक्स या कुछ दिखता है क्या, नहीं है, हटा दो। इस पे देखते हैं, देख सकते हैं कि फर्स्ट वेबसाइट अपने को मिल गया है जो कि एक्सेसिस से वल्नरेबल है। यू हैव बीन हैक, जो हमारा स्क्रिप्ट है पॉपअप हो गया है। तो टैंक डॉट प्राइज ये एक वेबसाइट है जो एक्सेसिस इसमें अप्लाई हो रहा है। तो हमको हमारी फर्स्ट वेबसाइट तो मिल गई, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट। तो आज हम दो तीन तीन चार देखते हैं वेबसाइट, ढूंढने की कोशिश करते हैं मिलती है क्या। इस पे ट्राई करते हैं, टू इज इक्वल्स टू के, इधर पॉपअप नहीं आया, हटा दो। यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, हटा दो। इस पे देखो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, हटाओ। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे टेस्ट करते रहना अपने को हर एक वेबसाइट पे जो भी है, ऐसे आप सीखोगे। ये तो पहले ही बंद है, ये देखो सेकंड वेबसाइट में मिल गई, यहाँ पे भी पॉपअप आ गया अपना। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो हमने चेक कर लिया है। इसको देखते हैं, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी कुछ नहीं है। अभी इसमें तो पैरामीटर नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम देखते डाल के। तो ये देखिए यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ये हमको मिल गया अपना थर्ड। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पैरामीटर हमें इज इक्वल टू दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, सर्च बॉक्स में डाल के देखा, तो सर्च बॉक्स में अप्लाई हो गया। तो ये अपने को मिल गया अपना थर्ड वेबसाइट जो कि एक्सेसिस से अवेलेबल। तो गाइस आप अभी ट्राई करो एक्सेसिस में कौन से वेबसाइट आपको मिलते हैं। आप ऐसे गूगल डॉक्स, बहुत सारे डॉक्स है, देखिए अभी मैंने ये डॉक अप्लाई किया था, बहुत सारे वेबसाइट मिले, बहुत सारे इसको खोल सकते हैं। या फिर आप दूसरे इतने सारे डॉक्स है, दूसरा डॉक्स लो, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, बहुत सारी वेबसाइट आएगी, उसको ऐसे करके खोल लो, इसमें कुछ नहीं मिला, नेक्स्ट डॉक ले लो, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो और कितने 10 15 20 जितने एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो उतने ढूंढो। और मुझे अगर मिलते एक्सरसाइज तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं उसको रिमेंशन कर दूंगा। और ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी ओआर्स के ऊपर, मतलब जितने भी अटैक्स है उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, एसक्यूएल एक्सरसाइज CSRF SSRF ये सब अटैक्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा मैं कैसे अटैक्स करते हैं, मतलब जितना हो सके, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ ये सब चीजें। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको भी सिखाते जाऊंगा, दोनों साथ में ग्रो करेंगे, मजा आएगा। और थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 500 सब्सक्राइबर वंस अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।